मोहगांव पुलिस ने गांजा तस्करों को किया गिरफ्तार। 50 किलो 500 ग्राम गांजा हुआ बरामद। मोहगांव पुलिस ने अवैध गांजा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई किया है। थाना प्रभारी मोहगांव विजय सिंह ठाकुर ने बताया कि मुखबिर से द्वारा सूचना मिली कि कुछ गांजा तस्कर एक बोलेरो वाहन एवं एक ट्राइजर कार से क्षेत्र में गांजा सप्लाई करने आ रहे हैं। इस पर थाना प्रभारी मोहगांव ने वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन लेते हुए एक टीम गठित की। खीसी चौराहे पर नाकाबंदी कर सूचना के आधार पर गांजा लेकर जा रहे बोलेरो गाड़ी एवं ट्राइजर कार को रोका, तलाशी ली तो तलाशी में बोलेरो वाहन में 6 पैकेट एवं ट्राइजर कार में 4 पैकेट अवैध गांजा पाया गया। दोनों वाहनों से 50 किलो 500 ग्राम अवैध गांजा जब्त किया गया है। वहीं आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। की सूचना गंभीर प्रकृति की होने पर गंभीरता से किया गया और अपनी पुलिस टीम गठित कर इन्हें खीसी चौराहे पर घेराबंदी कर पकड़ा और दोनों वाहनों की वाहन तलाशी ली तो दोनों में एक के बोलेरो कार में 6 पैकेट गांजे के पाए गए और 4 ट्राइगो कौन सी कंपनी जी अपनी रेनॉल्ट कंपनी की कार थी जी। और आरोपियों को विधिवत जो कार्रवाई होती है पुलिस की गिरफ्तार किया जब्त गिरफ्तारी की गई और NTPS एक्ट की कार्रवाई की गई। ये दोनों गाड़ी में कितने आरोपी गिरफ्तार किए सर? दोनों एक रेनॉल्ट जो कार है कंपनी की जो कार है उसमें एक आरोपी है तो इसका नाम क्या है अपना साहू हुसैन मनोज कुमार सेन हीरालाल सेन जे सचाई नगर सारवाहरा थाना गोरेला तहसील पेंटा जिला गोरेला छत्तीसगढ़ का है। सर दोनों गाड़ियों में कितने तादाद में गांजा मिला सर? दोनों गाड़ियों का अगर अपन काउंटिंग करें तो 50 किलो 500 ग्राम गांजा इनसे प्राप्त जब्त किया है। तो सर जी कहाँ लेके जा रहे थे सर के गांजा कहाँ? इनका ऐसा कहना है कि हम लोग निकले थे इसे मंडला ले जा रहे थे। किसके पास ले जा रहे थे इस संबंध में उन्होंने कहा कि हम केवल ले जाते हैं वहाँ फिर फोन आता है और अगले व्यक्ति को दिया जाता है तो इस संबंध में उन्हें भी पूर्ण ज्ञान नहीं है। वो जो घटनास्थल पहुँचने के बाद उन्हें फोन आता है जी। हाँ।